कौन थी ललन भाभी, आइए जानते हैं। पहली थी एक ललन भाभी। ललन भाभी जो है वो सेवड़ी के स्लम में रहती हैं और ये जो है अपने आप में इनको ब्लैक गोल्ड क्वीन भी कहा जाता है। ये जब इंडियन एक्सप्रेस में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तब ललन भाभी को जो है जब हेडलाइन बनी थी उसके अरेस्ट की तब ये कहा था क्वीन ऑफ ब्लैक गोल्ड अरेस्टेड अंडर MPDA। उसको इन पर MCUCS क्यों नहीं लगा ये मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन पुलिस ने उनको MPDA में अरेस्ट किया था। MPDA जो है वो एक महाराष्ट्र का लॉ है जिसको महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत जो है उसको अप्लाई किया जाता है। जो स्लम लॉर्ड्स, बूट लेगर्स और इस किस्म के जो अपराधी लोग होते हैं उनको इस MPDA एक्ट में अरेस्ट किया जाता है। तो चूंकि ये पेट्रोल एडल्ट्रेशन रैकेट में पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और आपको पता है कि सिवड़ी जो मुंबई के जो सिवड़ी रेलरोड एरिया है वहाँ पे अक्सर जो लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रकर्स आते हैं, टैंकर्स आते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल की खपत होती है। तो ये पेट्रोल को एडल्ट्रेट करके उसमें मिलावट करके ये वहाँ पे उस एरिया में जो है ट्रक वालों को सप्लाई कर रही थी और इन्होंने अपना अच्छा खासा वहाँ पे जो है मुनाफा बना लिया था। लेकिन जब कुछ कंप्लेंट्स गई और जब उन्होंने वहाँ पे जो है काफ़ी धांधली शुरू की और लोगों के ऊपर अपना क्लाउड, अपना रसूख करना शुरू किया। अब ललन भाभी इमेजिन, मतलब कुछ तो बात होगी उनके अंदर के लोगों ने जो है उनको अपना बहुत ज़्यादा मानना शुरू किया। तो मैंने सोचा था इनके बारे में लिखूंगा बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस इनके बारे में रिपोर्ट कर चुका था मैं, लेकिन वो मौका आ नहीं पाया। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इनके बारे में ये थी कि जब पुलिस ने इनको MPDA में अपनी हिरासत में लिया तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने जो मुझसे खुद कहा कि वो थोड़ा सा हैरान हो गया कि जब उनको लेके आया गया अरेस्ट करके पुलिस चौकी में तो उन हर, जैसे कि आपको पता है, एक अक्यूज से कहा जाता है कि आपको इस बात का अधिकार है कि आप एक अपने वकील को फ़ोन करके वकील को बुलाइए जो आपकी बेल के लिए, आपकी जमानत के इंतजाम करें। वो पुलिस वाला कहने लगा कि मैं हैरान हो गया कि जब उसने कॉल किया तो उसने वकील को फ़ोन नहीं किया, उसने अपने घर पर अपनी किसी एसोसिएट को, जो किसी को रिश्तेदार थी, उसको फ़ोन किया और उसको कॉल कर कहती है कि सुनो वो किचन को जो है शिफ्ट कर देना। मैं सोचने लगा कि ये अरेस्ट हो रही है, ये पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, ये पता नहीं आप अंदर कितने दिन रहेगी ये पता नहीं, और इस पर क्या केस लगाएगी और पुलिस को कितना सताएगी और किन परेशानियों उसको गुजरना पड़ेगा इस औरत को पता नहीं। लेकिन ये औरत को अपना वकील बुला के अपने घर जाके अपने शौहर, अपने बीवी बच्चों या अपने दूसरे रिश्तेदारों की फिक्र नहीं है, इसको इस बात की फिक्र है किचन शिफ्ट कर दो और ये फ़ोन पर पहला इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब जब इस पुलिस अधिकारी का माथा ठनका तो इसने फौरन जाके सोचा कि अपने लोगों को भेजे इसके पास और पूछे कि शिफ्ट कर दो क्या कोड है। तो उसने जब लोगों को भेजा और जब लोगों ने उसकी एसोसिएट जिसको कॉल गया था जब उससे पूछा बात की तो थोड़ी सी देर के बाद जो पुलिस ने अपना स्पेशल तरीके से उससे मालूम की, स्पेशल तरीके में हम लोग नहीं जाते फिलहाल, लेट दैट बी फॉर पुलिस एंड अदर्स, वो एसोसिएट राज रख नहीं पाई और उसने उगल दिया कि किचन यानी हमारा वो वेयरहाउस, वो स्टॉक जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉक एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का रखा हुआ है। और इनको, ललन भाभी को इस बात की बहुत फिक्र थी कि अगर ये एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का स्टॉक पकड़ा गया तब तो ये बिल्कुल कन्विक्ट हो जाएंगी, अगर पुलिस के हाथ में एविडेंस ना आया तो हो सकता है पॉसिबल कि दो चार दिन में, हफ्ते भर में बाहर आ जाए, लेकिन अगर वो इतना बड़ा स्टॉक पकड़ा गया तब तो ये छूट नहीं सकती। ललन भाभी के इस एटीट्यूड को, इस ज़िद्दी, इस रिजिड एटीट्यूड को पुलिस ने फौरन परख लिया, पहचान लिया और वो स्टॉक जाके उन्होंने सीज़ किया गोल्ड का, ब्लैक गोल्ड का, आई मीन द एडल्ट्रेटेड पेट्रोल का। एंड फाइनली जो है ललन भाभी पे MPDA लगा दिया गया और उनको जो है तकरीबन साल दो साल के लिए भेज दिया गया पुलिस जेल के अंदर। तो ये मैंने सोचा था कि जब भी अगर मुझे मौका पड़ा तो मैं इनका एक बाकायदा डिटेल्ड प्रोफाइल करूँगा और आगे जाके कहानी ले जाऊँ, लेकिन फिर वो इस बात का कभी इत्तेफाक हो नहीं पाया कि मैं ललन भाभी के ऊपर लिख सकूँगा।